स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल में रखा गया था करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जहां 13 जुलाई 2023 में स्टूडेंट्स को मिला मौका 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंडरस्टैंड करें वेरियस फील्ड्स। स्कूल मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम, जहां पर स्कूल सेमिनार हॉल में इस इवेंट को हेल्ड किया गया था। इंट्रोडक्शन किया गया पहले गेस्ट का, उसके बाद गेस्ट की वेलकम हुई और साथ ही साथ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल का भी वेलकम किया गया। इसमें इवेंट में खास तौर पर वक्त देने के लिए जो काउंसलर आए थे उनका नाम है डॉक्टर गुरुप्रसाद, MBBS डर्मेटोलॉजी। गेस्ट ने सभी वेरियस कोर्सेज के ऑफ साइंस को एक्सप्लेन किया और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आउटर वर्ल्ड में उस बारे में बात की। साथ साथ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज करने का, एरिया चूज करने का जो उन्हें जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहते हैं उन्हें मौका दिया गया ताकि वो सक्सीड हो सके लाइफ में। इस प्रोग्राम के अंदर खास तौर पर गुरुप्रसाद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को एक्सप्लेन किया और बच्चों को मोटिवेट भी किया। इस मौके में मिस्टर अमान मुजीब, मैनेजमेंट MEM, प्रिंसिपल मिसेस भाविका लाड ने इस प्रोग्राम में अटेंड किया और साथ साथ टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। ये प्रोग्राम एंड हुआ वोट ऑफ थैंक्स के साथ। आई देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। मेरा नाम डॉक्टर गुरुप्रसाद है। मैं स्पार्कल इंटरनेशनल स्कूल के इनविटेशन के बाद स्कूल को आके यहाँ के 9th और 10th स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। यहाँ इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे नंबर पे सारे इसमें बहुत इंटरेस्ट दे के उन्होंने सुने इसके बारे में। मेरा जो हो सकता था MBBS के बारे में, उसका आगे क्या करना है उसके बारे में स्टूडेंट्स को समझाया। और ये प्रोग्राम में MA मैनेजमेंट के अमन मुजीब जी और प्रिंसिपल लाड भी हमारे साथ थे, तो उसके साथ सभी टीचर इसके बारे में सहयोग दिए हमको और स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट करके इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे। मेरा वो क्वेश्चन आंसर को क्या है उत्तर देना है मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
Today was our Sparkle International School's first career counseling which we have held. So today's our first guest lecture was Dr. Guru Prasad, who is a dermatologist. And today we had a wonderful session here where students came to know the challenges faced during the MBBS and the journey of the doctorship. Okay, thank you. Your birth is planned now by parents. I want only on so and so date my son or daughter has to be born, like that nowadays because of caesarean section. So everything is planned. So what's your interest? Study after that also. Degrees in many of the Middle East countries and foreign countries. But in the near future, it's going to be more technology. So Now also, previously we used to do manual surgeries. Now robotic surgeries have come. Okay. MBBS course are preparing the MBBS, means appearing for the name. The MBBS course, definitely 20%. Sir, which field is easier? Is engineering or medical is engineering? Depends on your interest.